हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अगर आपने प्लस टू के बेस पर पॉलिटेक्निकल में डिप्लोमा के लिए यहां पर अप्लाई किया है तो आपकी काउंसलिंग कब होगी और आपका एडमिशन पॉलिटेक्निकल में कब होगा? क्योंकि दोस्तों, मैं आपको हरियाणा के बारे में बताने वाला हूं। जितने भी हरियाणा में पॉलिटेक्निकल है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, जिस भी आपने पॉलिटेक्निकल के लिए अप्लाई किया है तो उसकी काउंसलिंग और एडमिशन आपका कब होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर सभी का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है तो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और आपका ऑनलाइन ही आपका एडमिशन होगा। अब काउंसलिंग की डेट क्या है, एडमिशन की डेट क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेज होने वाली है, आप इस वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जितने भी हरियाणा में पॉलिटेक्निकल हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, वो कितनी हैं। वो दोस्तों एक से लेकर यहाँ पर दोस्तों 42 पॉलिटेक्निकल हैं गवर्नमेंट, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हर डिस्ट्रिक्ट में एक से दो पॉलिटेक्निकल हैं गवर्नमेंट, तो जिसके लिए अप्लाई करोगे, आप काउंसलिंग कराना चाहते हो और काउंसिल डेट क्या है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको एक न्यू टैब ओपन कर लेना है इस तरह से। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है ये वेबसाइट का नाम, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, और इसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो है hstes.org.in। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने जो डिप्लोमा की वेबसाइट है पॉलिटेक्निकल की, वो यहां पर ओपन हो जाएगी। और दोस्तों, यहां पर आपको क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन आपको यहां नहीं मिलता तो आपको अप्लाई नाउ यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप प्लस टू बेस पर आपने अप्लाई किया है तो आपको डिप्लोमा इंजीनियर लेटरल एंट्री आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर एक की डेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने प्लस टू बेस पे किया है तो डिप्लोमा इंजीनियर लेटरल एंट्री आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों डिप्लोमा बेस पर आपका प्लस टू में नंबर पड़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आएगा कोर्स नेम, आपने प्लस टू पर अप्लाई किया डिप्लोमा। उसके बाद बेसिस ऑफ एडमिशन, ठीक है, यहाँ पर आपका यानी जो आपका नंबर पड़ेगा वो आपका जो मार्क हैं, जो आपके मार्क आए हैं उसके हिसाब से आपका नंबर पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट था वो था 17/6/2021 और रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट जो होती 18/8/2021, आपने इसके बीच में फॉर्म फिलअप किया होगा। उसके बाद आपने इसके डेट के बीच में और इस डेट के बीच में, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट के बीच आपने फ़ीस आपने सबमिट कराई होगी, जो भी ऑनलाइन की फ़ीस थी अप्लाई करने की फॉर्म की। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी ये तारीख 8/6/2021, और जो एंड डेट थी, यानी आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता था, और आपके पास एक मैसेज भी आया होगा आपके मोबाइल पर कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका जो यानी आपका जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी 23/8/2021 को आएगी, यानी सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस किस का नंबर यहाँ पर पॉलिटेक्निकल में पड़ेगा। आज यहाँ पर तारीख हो चुकी है 16 अगस्त, और 23 अगस्त की आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट का जो क्लोज टाइम है वो आपका 31/10/2021 को ख़त्म हो जाएगा, यानी 11:59 PM तक। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर आओगे, यानी आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका 23 का बनेगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस वेबसाइट पर, इंपॉर्टेंट नोटिस। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी कोई नोटिस नहीं है। जैसे यहाँ पर दोस्तों 23 तारीख पास आ जाती है तो आपको यहाँ पर नोटिस मिल जाएगा जिन्होंने प्लस टू बेस पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपको यहाँ पर नोटिस मिल जाएगा तो आप उस नोटिस को देख सकते हैं। अगर आपका नंबर इसमें पड़ जाता है आपके परसेंटेज के हिसाब से, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको एक न्यू टैब इस तरह से ओपन कर लेना है इस तरह से, और आपको सर्च बार में क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। इस वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, techeadmissions.hry.gov.in। आपको ये लिखकर सर्च कर देना है तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है, अगर आपका वहाँ पर नाम आ चुका है मेरिट लिस्ट में, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने कोर्स सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि अभी 23 तारीख दूर पड़ी है, आज 16 अगस्त है, तो यानी कि आपका डिप्लोमा प्लस टू बेस पर है तो लेटरल आपको क्लिक करना है। उसके वक्त आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, जो आपका आपको अप्लाई किया था वहाँ पर आपके रोल नंबर मिला था वो आपके पास होगा प्रिंट, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड, उसके बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए एक आपको 500-600 जितना भी फीस होगा डिप्लोमा का काउंसलिंग के लिए, वो आपको कराने के लिए आपको फ़ीस सबमिट कराना होगा।
उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक यहाँ पर की डेट्स आपको मिलता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको काउंसलिंग डेट बता देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका डिप्लोमा इंजीनियर लेटरल एंट्री यानी प्लस टू बेस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। आपके काउंसलिंग जो होगी, यहाँ पर लिखा है काउंसलिंग फीस स्टार्ट डेट, यानी कि आपकी 25 तारीख को आपको काउंसलिंग फीस देनी होगी, 25/8/2021 को, ये आपके 11 बजकर यानी 11 AM पर ऑन हो जाएगी। उसके बाद देखिए जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप कराया है उसके पास भी आप जा सकते हो, वो आपकी ऑनलाइन फीस काट देगा और आपका फॉर्म फिलअप कर देगा। उसके बाद काउंसलिंग आपकी 2 बार होगी यहाँ पर, A1 और A2। सबसे फर्स्ट काउंसलिंग आपकी होगी, अगर आपका इसमें नंबर पड़ जाता है तो दी बेस्ट, अगर नहीं पड़ा तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग में आप अपना चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग का फीस का, वो 25 तारीख को स्टार्ट होगा और 30/8/2021 को एंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चूज़ फिलिंग, अगर आपने कोई सी ट्रेड चूज़ लेनी है तो आपको 25 तारीख को बताया जाएगा और 30 तारीख इसकी एंड है, यानी आप हर रोज़ चेक कर सकते हो। अगर आपका आपको मिल जाती है तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, आप चूज कर सकते हो। उसके बाद जो आपने ट्रेड चूज़ की है वो आपको 25 तारीख से लेकर 25/8/2021 से लेकर 30/8/2021 तक आपको पता लग जाएगा, आप इनकी इसी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अलाउटमेंट रिजल्ट पब्लिश डेट, यानी कि जो आपको सीट मिली है वो आपको 1/9/21 को पता लग जाएगा कि किस कॉलेज में आपको सीट मिलेगी, ठीक है, वो आपको शाम के 5 PM तक आपको पता लग जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ टोकन एडमिशन फ़ीस, यानी जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है उसका आपको फ़ीस देना पड़ेगा अपना ईयरली, जो भी आपने ट्रेड ली है, जैसे कि उसकी जो स्टार्ट डेट है वो 1/9/2021 को स्टार्ट होगा फीस सबमिट कराने का और 6/9/2021 को एंड हो जाएगा। इसके बीच में आपको फ़ीस डिपॉजिट करानी होगी कॉलेज में, या ऑनलाइन भी हो सकती है या फिर आप बाय हैंड भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लिखा है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए आपको कॉलेज में, यानी कि 1/9/2021 स्टार्ट डेट है और एंड डेट जो है 6/9/2021, यानी इस डेट के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। ये काउंसलिंग और ऑनलाइन होगी ऑल कैटेगरी के लिए। अगर आपका फर्स्ट में नंबर नहीं पड़ा काउंसलिंग में, जो सेकंड इनकी काउंसलिंग है वो 8/9/2021 को स्टार्ट होगी और एंड 13/9/2021 को होगी। यहाँ पर चूज़ फीलिंग, जो ट्रेड आपको चूज करनी है वो आप डेट को कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है जो मैंने ऊपर आपको बताया है। उसके बाद जो आपने चूज़ की है वो आप लॉक कर सकते हैं, जो ट्रेड आपने चूज़ किया उसे आप लॉक कर सकते हैं इस डेट को। उसके बाद सीट अलॉटमेंट पब्लिश डेट, ये आपको सीट बताई जाएगी कि आपको मिल गई ये सीट, दिखाया आपको जाएगा। उसके बाद डिपॉजिट करानी आपको फ़ीस, यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर आप 14/9/2021 से लेकर 17/9/2021 तक है, यानी सेकंड काउंसलिंग की। उसके बाद वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वही है, यहाँ पर आपको दूसरी काउंसलिंग की डेट दी गई है कि आपको कब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट कराने हैं। उसके बाद ये सभी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है सभी ऑल कैटेगरी के लिए है। तो ये था दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन कि आप काउंसलिंग डेट कब है, एडमिशन आपको कब मिलेगा, सारा कुछ मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही कोई भी अपलोड हो रहे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।